हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है प्रेगनेंसी में की गई ऐसी 7 गलतियाँ जिसके कारण बच्चे का विकास वहीं रुक जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखो, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं, इससे बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा, बट आपके पेट में एक छोटी सी जान पल रही है। अगर आप अपनी करी हुई हर एक एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते, नियंत्रित नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ होती है, और वो तकलीफ इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि बच्चे का विकास वहीं पर रुक जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और वन बाय वन मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है खाना स्किप करना। देखो, कॉमन होता है खाना स्किप हो जाना प्रेगनेंसी में, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से आपको भूख नहीं लगती, आपको उल्टी आने का मन होता है, तो आप कई औरतें खाना स्किप कर देती हैं। बट वो ये नहीं सोचती कि वो खाना स्किप कर रही हैं तो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी बच्चे को हो रही होगी, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे का विकास वही रुक जाता है, बच्चे की ग्रोथ वही रुक जाती है, क्योंकि उसे टाइम टू टाइम वो प्रोटीन नहीं मिल रहा होता, विटामिन सी मिल रहे होते। और अगर आप खाने ही नहीं खाएंगी तो ऑफकोर्स खाली पेट तो सप्लीमेंट नहीं ले सकती हैं, तो फॉलिक एसिड की कमी के भी कारण बच्चे का विकास रुकने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको सबसे पहला यही है कि आपको खाना स्किप नहीं करना चाहिए। अगला है आपका वजन की चिंता। तो कई फिटनेस फ्रीक होते हैं, अच्छा भी आपका फिटनेस फ्रीक होना, बट जब आपके पेट में एक छोटा सा बच्चा पल रहा है, उस टाइम आपको अपनी फिटनेस को साइड में रखकर बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके वेट भी गेन होगा, साथ साथ में आपके अंदर एक छोटा सा बेबी है जिसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट ही हुई है होना, तो धीरे धीरे करके आपका 1 वीक में आधा किलो तक वजन घटता हुआ आपको नजर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट कई महिलाएं क्या होती है इस बात को लेकर चिंता कर लेती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस के कारण बच्चे का जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि स्ट्रेस ही ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ एक चीज़ के कारण आपको 100 तरह की बीमारियाँ लग सकती है। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आपको ही नहीं, आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, और वजन की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होगा आपका वजन उसी फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने पे आप वैसे ही मेंटेन हो जाओगे, बट ये बहुत बड़ा रीजन रहता है आपका स्ट्रेस लेना बच्चे की ग्रोथ रुकवाने में। अगला है आपका खुद दवा लेना, ये खुद मेडिसिन लेना। तो इससे क्या पता लगता है, ऑफ कोर्स कई लोग सोच रहे मेडिसिन खुद ही तो लेते हैं, बट देखो नहीं, प्रेगनेंसी में आपको डोलो, पैरासिटामोल हो गई, या फिर फॉलिक एसिड, विटामिन, मल्टी विटामिन टैबलेट हो गई, इसके अलावा डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, अगर आपको कोई ज़्यादा इश्यू ना हो तो, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन हो जो प्रेगनेंसी में सेफ हो ना हो तो आपको कोई भी ऐसी दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। बट कई बार क्या होता है, पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या, मांसपेशियों में दर्द की समस्या, ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि औरतें जो हैं वो खुद ही मेडिसिन खा लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कई मेडिसिन जो होती हैं, कई क्या, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है लेना, बट आपको ना पता होने की वजह से आप ले लेती हैं, और वो बच्चे की ग्रोथ पे दिखता है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको खुद भी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। अगला है आपका फिजिकल एक्टिविटी वाले काम करना। तो देखो, अगर आप वेजिस पे काम करती हैं, आपको पता ही होगा मजदूरी करते हैं, आप उनको देखकर इंस्पायर हो रही हैं कि वो भी तो इतने काम करते हैं प्रेगनेंसी में। हर एक की बॉडी अलग रिएक्ट करती है, आपको इतना माइंड में रखना चाहिए कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। पहले 3 मंथ्स में मिसकैरेज का खतरा, दूसरे 3 मंथ्स में जो ट्रेमेस्टर होता है, सेकेंड ट्रेमेस्टर में आपको बच्चे की ग्रोथ रुकने का खतरा, और लास्ट में प्री मिच्योर डिलीवरी होने का खतरा, ये सब बढ़ जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चे का अगर दबाव ज़्यादा पड़ा तब भी ग्रोथ रुकने का खतरा होता है, और बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं वो वहीं पर डेवलप होना बंद कर देते हैं। अगला है जल्दबाजी करना। देखो, जल्दबाजी आपकी बेबी प्लानिंग में भी हो सकती है, जल्दबाजी आपके डॉक्टर सेलेक्ट करने में भी हो सकती है, जल्दबाजी आपकी अपनी प्रेगनेंसी को कैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वो भी प्लानिंग में हो सकती है। सबसे पहले तो जल्दबाजी भी लोग करते हैं अपनी प्रेगनेंसी का लाइक सोचने में कि आप कब प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप
कह सकते हो कि अगर आप एक ऐसी प्लानिंग के साथ बेबी प्लान करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप बिना प्लानिंग के बेबी प्लान करते हो तो एकदम से आपके स्ट्रेस हो जाएगा इतना ज़्यादा। आप कहाँ पे जाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, कैसे डॉक्टर से मिलेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको एक तो प्लानिंग लेके करना चाहिए, दूसरा डॉक्टर का चुनाव करते समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप याद रखें, किस डॉक्टर आपको पास पड़ेगा, कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है जो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकता है, कौन से ऐसे जिसके डिलीवरी के केसेस है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव में रहे हो, ये सब चीजें देखने के बाद तो आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका एक गलत चुनाव बच्चे की ग्रोथ रुकवा सकता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर ज्यादा विजिट नहीं लेते हैं, आपको नहीं बुलाते, इसकी वजह से जब जब आप जाती हैं आपको पता चलता है कि आपका मिसकैरेज 10 दिन पहले हो गया या 15 दिन पहले हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, जब भी आप कंसीव करने का सोच रही हैं, या जब भी आप डॉक्टर का चुनाव कर रही हैं। तो अब मैं बात करूंगी सिक्स्थ की। तो देखो सिक्स्थ और सेवन्थ इंटर रिलेटेड है, बट मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। सिक्स्थ है आपका शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ों का सेवन ना करना। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप ये चीज़ बिना प्रेग्नेंट हुए भी कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए कितना नुकसानदेह होती है, बट अगर आप प्रेगनेंसी में कंज्यूम करते हो तो देखो ये सबसे ज़्यादा, अगर आप खुद से दवाई भी ले लोगे तब भी 2% चांस है कि बच्चे की ग्रोथ से बच जाओ, रुकने से बच जाओ। इसमें तो आप बच ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ें होती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिगरेट जो पी भी रहे ना उसके पास भी थोड़ा कम जाओ, क्योंकि इसकी जो स्मोकिंग की धुआं होता है उससे भी बच्चे को हार्म होता है। खुद भी ना पिए, शराब अवॉइड करें और ऐसी कैफीन वाली चीजें अवॉइड करें। और लास्ट और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है शुगर कम ले। चीनी से आपको जो डायबिटीज है वो हो सकती है, ज्यादा कंज्यूम करने से, या बच्चे की अगर आपको डायबिटीज प्रेगनेंसी में हो गई तो बच्चे की ग्रोथ रुकने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा चीनी से ही आपका वजन बढ़ता है, तो अगर आपको वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है वो भी आपके शुगर इनटेक के कारण होंगी, तो आपको चीनी कम लेनी चाहिए। अपने वजन ना बढ़ने के चक्कर में, अपने बेबी का वेट मेंटेन करने के चक्कर में, अपने बेबी को स्टार्टिंग से डायबिटीज ना हो, अगर बॉर्न भी हो जाए और बच्चे की ग्रोथ ना रुके, उस चक्कर में भी चीनी आपको बंद कर देनी चाहिए। तो ये तो थे 7 चीजें जिसको करने से, बहुत सारी वुमेन्स इसमें से करती होंगी, कुछ ना कुछ हमें पता है, हमें नहीं पता होता उस टाइम पे हम कर देते हैं, बट अगर आप अवॉइड करोगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं रुकेगी और एक हेल्थी वेल्थी बेबी जो है वो आप लाइक बॉर्न कर पाओगे। तो चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। अगर तब भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।